हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल दोस्तों हमने चैप्टर 3 में वृत्त गुणनफल की विधि में 3 नियम सीखे थे। ये तीनों नियम आपको याद हो चुके होंगे ऐसा मैं मानता हूं। बड़ा 1 नंबर के MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान से सीखें। याद रखिए, अद्वितीय हल होने की शर्त है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी तीनों अनुपात समान आए तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। a1/a2 b1/b2 के बराबर आए लेकिन c1/c2 के बराबर ना आए तो कोई हल नहीं है। ये वस्तु हमने कल देखी थी। आपको मैंने 2 सवाल कल कर किए थे, 2 आपको एक्स्ट्रा भी दिए थे, लेकिन आपको शायद ना आए हों, तो आज हम लोग तीसरा और चौथा सवाल देख रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आज का ये तीसरा और चौथा सवाल, ये रहा हमारा तीसरा सवाल। सबसे पहले दोस्तों तीसरे सवाल में देख सकता हूँ बड़ा कि यहाँ पर दिया गया समीकरण व्यापक स्वरूप में नहीं है, तो 3x-5y-20=0 लगाया। इसी तरह से यहाँ 6x-10y-40=0 ले लिया बड़ा। अब पहले a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे और फिर c1/c2 निकालेंगे। फिर हम अपना अभिप्राय देंगे कि कैसे हल हैं अपरिमित रूप से अनेक के। क्या है a1 यानी ऊपर x के आगे, 3/b2 यानी नीचे x के आगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आ चुका है। b1/b2 निकाला -5/-10, दोस्तों माइनस से माइनस गया, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, ये भी 1/2 ही आया। c1/c2 निकाला -20/-40, माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 2 × 2 = 2, 2 × 4, 1/2। शर्त देख लेता हूँ, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में क्या संबंध है, क्या ये दोनों समान हैं? हाँ हैं। क्या ये दोनों समान हैं? हाँ ये भी हैं। अगर तीनों समान हों तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं अपरिमित हल अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब इसको तो हल नहीं करना है, क्योंकि अगर केवल अद्वितीय हल हो तो ही हमको हल करना है, अन्यथा हल नहीं करना है। एक और दोस्तों हम वाक्य चौथा भी ऐसा ही है, वो भी हम देख के कर लेते हैं। पहले ये समीकरण दिया ही आपने, होमवर्क में भी किया होगा। दोनों समीकरण सही स्वरूप में है तो a1/a2 पहले निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे और फिर दोस्तों c1/c2 निकाल लेंगे। a1/a2 यानी 1/3 आ गया, ये तो कट नहीं रहा है। यहाँ पर b1/2 -3 आ गया, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गए, 1 आ गया। c1/c2 निकाला -17/-15, माइनस से माइनस गया, 7/15। इनके संबंध को जरा यहाँ लिख दूँ, a1a2 b1b2 और c1c2 में क्या संबंध है, तो क्या ये दोनों समान हैं? नहीं है। क्या ये दोनों समान है? ये भी नहीं है। सोचो कैसे हल है बड़ा, अद्वितीय हल हैं। अगर अद्वितीय हल होते हैं बड़ा तो उसको हल करना पड़ता है, तो इसको हम हल करेंगे x/y/1/। दोस्तों x के नीचे लिखने के लिए हमको x को छुपाना पड़ेगा, x को छुपा लिया मैंने दोस्तों। यहाँ x को छुपाया कौन है बेटा, -3 - 7, -3 - 15। y के नीचे लिखने के लिए y को उल्टा लिखा बेटा, -7 और 1, -15 और 3। इसके नीचे छिल्ले को छुपाया, 1 और -3, 3 और -3। हल कर दिया दोस्तों मैंने x/, पहले इन दोनों को साथ में लिखा बड़ा, -3 और -15, मन से लगाया माइनस, बाकी 2 को लिखा बड़ा -3 और -7। फिर से लाया बड़ा y/, चलो -7 और 3, मन से लगाया माइनस, कौन कौन है बड़ा, -15 और 1। फिर से एक बार 1/, दोस्तों इस बार लिया 1 और -3, मन से लगाया माइनस, 3 और -3। इतना करने के बाद दोस्तों मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या करना है। मैंने चालू किया x/, क्योंकि 2 बार माइनस है प्लस हो गया 45, 3 बार माइनस है माइनस हो गया 7 × 21, y/, 1 बार माइनस है माइनस 21, 2 बार माइनस है प्लस का 15 आ गया बड़ा। 1/, 1 बार माइनस है माइनस 3, यहाँ पर 2 बार माइनस है प्लस का 9।
घटा हुआ दोस्तों x बटे प्लस का 24 आया, यहाँ भी घटा हुआ लेकिन यहाँ पर माइनस का 6 आया, यहाँ सम ये भी घटा हुआ प्लस का 6 आ गया। चलिए हल होने के बाद x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 एवं y बटे माइनस 6 बराबर 1 बटे 6। चौकड़ी गुणा किया दोस्तों मैंने, चौकड़ी गुणा करने पे 6x बराबर 24 आ गया, तो x बराबर 24 बटे 6, 6 चौक 24, x बराबर कितना आ गया दोस्तों मेरा 4। यहाँ पर 6y बराबर माइनस 6 आ गया चौकड़ी गुणा करने पे, y बराबर माइनस 6 बटे 6, 6 से 6 गया, y बराबर कितना आ गया बेटा माइनस का। ठीक है दोस्तों, आज ये रीति हमारी पूरी हो रही है, कल से हम आगे जो अगली रीति है हमारी उसको सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।